राजदा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच यूपीए के 32 विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया। नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में फिलहाल विधायकों के लिए 2 दिनों की बुकिंग है। सीएम हेमंत सोरेन खुद विधायकों के साथ बस पर सवार होकर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए। रांची एयरपोर्ट से विधायकों को रायपुर भेजने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साजिशकर्ताओं को जवाब देने की तैयारी है। झारखंड में फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। यूपीए के 32 विधायक रायपुर शिफ्ट। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के 32 विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट किए गए हैं। इंडिगो की विशेष विमान से इन विधायकों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। इन विधायकों के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रायपुर गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधायकों को छोड़ने रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। सीएम ने कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है। ये सत्ता के लिए साजिश को नाकाम करने की रणनीति का एक हिस्सा है। ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है। अरे कलकत्ता नीचे कर भाई माइक। और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्तापति तैयार है। देखिए वो अपना अपना निर्णय, हमारे तो कुछ विधायक भी नहीं गए, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को बांध के ले जाया गया। जिन्होंने स्वेच्छा से जाना पसंद किया वो गए, जिनको लगा कि नहीं हम यहीं रहेंगे वो यहीं हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। यूपीए के 32 विधायक रायपुर शिफ्ट। नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में शिफ्ट। विधायकों के लिए रिजॉर्ट में 2 दिनों की बुकिंग। सीएम और जेएमएम कोटे के मंत्री नहीं गए रायपुर। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और बसंत सोरेन भी नहीं गए रायपुर। रायपुर नहीं गए कांग्रेस के प्रदीप यादव, ममता देवी और रामचंद्र सिंह। कोलकाता कैश कांड में फंसे 3 विधायक भी नहीं गए रायपुर। रायपुर पहुंचने के बाद सभी विधायकों को नवा रायपुर मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि यूपीए विधायकों के लिए रिजॉर्ट में 2 दिनों की बुकिंग की गई है। इससे पहले सीएम आवास में यूपीए विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहे। सीएम आवास में बैठक के बाद 2 बस में सवार होकर सभी विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचे। विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी बस में मौजूद रहे। एयरपोर्ट से विधायकों को रायपुर भेजने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार साजिशकर्ताओं को जवाब देने के लिए तैयार है। षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पर बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग द्वारा राजभवन को रिपोर्ट भेजने की अटकलें हैं, लेकिन अब तक ना तो राजभवन और ना ही चुनाव आयोग ने इसकी पुष्टि की है। बावजूद इसे लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज है। 2 दिन पहले ही यूपीए के विधायक बस पर सवार होकर निकले, लेकिन लतरातू डैम की सैर कर वापस लौट आए। अब राजभवन के संभावित फैसले को लेकर यूपीए के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें जनहित के कई बड़े फैसले लेने की संभावना है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, दीपक, सत्यव्रत, विपिन सहनवाज और अजय की रिपोर्ट। और इस खबर पर तमाम ताजा जानकारी देंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। आज अजय, झारखंड की सियासत पूरी तरीके से उथल पुथल है, अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देखिए राजा, इस मामले में मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। जिस प्रकार से मीडिया में रिपोर्ट आई है, अब तक राजभवन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या फिर कोई प्रेस विज्ञप्ति या फिर कोई ऐसा संकेत जिसमें यह कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा है। देखिए मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन उसके पहले ही आपने इतना ज्यादा अपना व्याकुल होने का परिचय दे दिया, इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट, इतना ज्यादा खतरे के संकेत। कल मंडे को, सोमवार को लगा था कि तमाम चीजें पटरी पर आ गई हैं,
बेशक एक चिंता है राज्य सरकार के भीतर, लेकिन मंत्रियों को कहा गया कि आप काम करें। कल पूरी तरह से एक जो फुर्ती होती है राज सचिवालय में, मंत्रियों में, विधायकों में, वो देखने को मिला था। लेकिन मंगलवार को यानी कि आज अचानक से ये खबरें आ गई कि तमाम जो यूपीए के विधायक हैं उनको रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद से मुझे लगता है कि इन सब के बीच कहीं ना कहीं अभी जो मौजूदा सरकार है वो कांग्रेस की सलाह पर ज्यादा फोकस कर रही है। और एक संकेत यह भी है कि हो सकता है कि सत्ताधारी दल को कहीं से कुछ इस प्रकार के इनपुट मिले होंगे, क्योंकि सोमवार को यह कहा गया था मुख्यमंत्री स्तर पर तमाम मंत्रियों को कि आप अपने कामकाज में जुट जाएं, इस प्रकार के किसी दहशत में, भय में या डर में ना रहें, आप अपना काम करें। मुख्यमंत्री स्तर पर जैसे ही निर्देश आया उसके बाद से कल पूरे सचिवालय में मंत्रियों की बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई, एक बारगी लगा कि एक प्रकार की जो चिंताएं थी उसको किनारे करके राज्य की सरकार अब जनहित के मुद्दे पर फोकस कर रही है, विकास के मुद्दे पर फोकस कर रही है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ आज मंगलवार को कि अचानक से कहा गया तमाम विधायकों को आप मुख्यमंत्री आवास आए, लगेज के साथ आए, फिर फ्लाइट मंगा ली गई। एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले न्यूज 11 ने दी थी कि कोलकाता से फ्लाइट आया है। क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या सरकार के पास इनपुट है, वो सरकार के लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि ये कोई नई चीज है नहीं, बिल्कुल एक नई चीज नहीं है, ऐसी परंपरा पहले भी रही है, इसको परंपरा हम ना कहें तो बेहतर होगा। यानी कि ऐसी बातें सामने आती रही है, महाराष्ट्र के घटनाक्रम सबके सामने है। तो सरकार का एक होमवर्क है कि अपनी सरकार को सहेज के रखें, कहीं कोई ऐसी बातें ना हो जाए जो कि सरकार की सेहत खराब कर सके। लेकिन एक जो खराब संकेत गया, गलत मैसेज गया कि बार बार आपके तरफ ये कहा जा रहा है कि तमाम यूपीए के विधायक एकजुट हैं। एकजुटता का परिचय रांची में रहकर दिया जा सकता था, इससे मैसेज तगड़ा जाता यदि कहीं कोई इस प्रकार की बातें हैं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी महासचिव की अगर बात करें, अजयलाल, जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई किसी विधायकों के साथ, जो जाना चाहते थे स्वेच्छा से वही गए हैं, जो नहीं जाना चाहते थे वो रांची में है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की है हमने। बिल्कुल अच्छी बात है राजदा, जोर जबरदस्ती इसमें चलता भी नहीं है, किसी को आई बाय फोर्सली आप कहीं किसी को भेज भी नहीं सकते, लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक नहीं है। लेकिन जो लोग गए हैं, कम से कम मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है कि उन्हें रांची में रहकर अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना चाहिए था। इसका मैसेज यह गया कि राजभवन को या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा होगा कि हमने डराने की कोशिश की। देखिए अगला डर रहा है, इससे बड़ा भय यदि पैदा करें तो हो सकता है कुछ और चीजें सामने आ जाए। जिन चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए उन चीजों की चर्चा होने लगी है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस के विधायकों की तरफ से खास कर आता है कि हम लोग बिकाऊ विधायक नहीं है। अच्छी बात है, बिकाऊ विधायक नहीं होना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि ये पूरा जो विधायक गए हैं रायपुर, उन्हें जाने का अधिकार है, कहीं से कोई रोक नहीं सकता। मेरा आपका भी अधिकार नहीं है कि हम उस पर टिप्पणी करें, लेकिन जब आप राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में जब आप रहते हैं, तो आपके एक एक एक्टिविटी से 10 तरह के मैसेज आते हैं। यदि आकलन किया जाए कि कोई भी पूछे आपसे, कोई लेमैन यदि जानना चाहे कि कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर यूपीए के विधायक रायपुर क्यों गए, क्या सवाल उठेगा। मंत्री भी गए हैं, बन्ना गुप्ता भी गए हैं, बादल पत्रलेख भी गए हैं। यदि इसका जवाब आपसे कोई पूछेगा कि आज की तारीख में कोई लेमैन, रांची शहर के किसी चौराहे का व्यक्ति यदि आपसे पूछ दे कि आप पत्रकार हैं, ये बता दीजिए कि यूपीए के विधायक रायपुर क्यों गए, क्या सवाल का जवाब होगा। सवाल का जवाब यही होगा कि कुछ इस प्रकार की आशंकाएं हैं कि विधायक इधर से उधर हो सकते हैं। यानी कि आपके साथ जो है उस पर आपका विश्वास नहीं के बराबर है। जब से लिफाफा पहुंचा राजभवन तब से अटकलें लगाई जा रही थी कि आज फैसला आ जाएगा। बीच में शनिवार आ गया, रविवार आ गया, लगा सोमवार को आ जाएगा, आज मंगलवार खत्म हो गया।
परेशानी, चिंता, प्रिकॉशन के तौर पर इसे महागठबंधन ने लिया, जेएमएम सरकार ने लिया? राजदा, मौजूदा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीएन खरे से सलाह मांगी थी कि जो 1951-9A का मामला है उस पे आपकी क्या राय है। 13 पन्ने की रिपोर्ट कल मैंने पढ़ा जी। 13 पन्ने की रिपोर्ट पे कहा गया है कि आपकी सिर्फ यदि बहुत कुछ हुआ तो ऐसी कोई खतरा नहीं है कि आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और उसमें बीएन खरे ने 12 पन्ने की जो रिपोर्ट भेजी उसमें कहा है कि इससे पहले इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई कि किसी, उन्होंने 4 केस का संदर्भ दिया था। पहला केस का जो संदर्भ दिया था, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें दिया था कि राज पदार्थ महतो और मिश्री सिन्हा, कर्नाटक का एक मामला है, बिल्कुल ऐसा ही मामला था, किसी की सदस्यता नहीं गई। उसके बाद करतार सिंह बारवर भरसेज हरि सिंह, ये 2003 का मामला है, किसी की विधायकी नहीं गई। मतलब यह है कि पहले राजभवन को नॉक करने देते। राजभवन, देखिए एक चीज यह भी है कि राजभवन, राज्यपाल कोई यह नहीं है कि इतने दिनों के भीतर आप अपना फैसला सुना दे। हो सकता है राजभवन या राज्यपाल का मन करे कि वो 6 महीने तक मामले को लटका के रखें या फिर कोई फैसला ही नहीं सुनाए, तो क्या इन स्थिति में तमाम विधायक रायपुर में रहेंगे? मेरा ये कहना है कि पहला वार राजभवन की तरफ से हो जाना चाहिए था, उसके बाद अपने हथियार आप निकालते। अभी ये हो रहा है कि वार किया किसी ने नहीं, और आपने अपने हथियार को अजमाना शुरू कर दिया। खूंटी चले गए, 24 घंटे के भीतर 4 बार यूपीए की बैठक हो, मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन ये कंटेंट पर आधारित चीजें हैं। पहले राजभवन से फैसला आ जाने देते। तमाम विधायक, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से बाहर से नहीं खोजना पड़ता, तमाम विधायक झारखंड में ही है, यदि कोई पलामू में भी है तो 4-5 घंटे में रांची आ सकता है, सड़कें अच्छी बन गई है। चलिए, महागठबंधन में जुटता है तो वो एकजुटता रांची में रहकर भी दिखाई जा सकती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर मजबूती के साथ सभी हैं तो कोई इन्हें तोड़ नहीं सकता है, अलग नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताया कि यूपीए के तमाम विधायक रायपुर शिफ्ट कर लिए गए हैं, रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट पहुंच गए हैं ये विधायक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।